This video is sponsored by www.lovetipsinhindi.com. Check this caption for more details. जब कोई किसी को प्यार करता है तो जाकर उसको प्रपोज करता है। जब वो प्रपोज करता है तो इसमें बहुत सारे होते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि अगर सामने वाला उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे तभी वो सक्सेस होते हैं। कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब कोई इंसान किसी को प्यार करता है तो उसको जाके प्रपोज करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दूसरे इंसान को प्यार तो करते हैं लेकिन कभी भी अपनी ये बात लाइफ टाइम उस इंसान को बता ही नहीं सकते कि वो उसे प्यार करते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा लड़कियों में होती है कि लड़की अपनी बात उस लड़के को बता नहीं सकती जिसे वो प्यार करते हैं। कई बार लड़कों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि लड़का भी अपनी दिल की बात उस लड़की को नहीं बता सकते। आपका तो पता नहीं होता कि आप किसके पीछे भाग रहे होते, आप किसके दीवाने हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपके साथ भी ये हो सकता है। कोई आपको भी चुपके चुपके से प्यार करता है लेकिन आपको उसकी भनक भी नहीं होती। हमें पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारा माइंड कहीं और इंसान में होता है। किसी दूसरे इंसान के लिए हम पागल होते हैं, इसलिए हमें ऐसे लोग होते हैं नज़र नहीं आते। हालांकि ऐसे लोग हमारे आजू बाजू में होते हैं, हमारे करीबी होते हैं, जिनके साथ शायद हमारा रोज का उठना बैठना होता है। तो आप इन चीज़ों को कैसे जानोगे? तो उसके कुछ साइन, उसके कुछ इशारे हो गए, क्योंकि वो इंसान को तो आपको बता ही नहीं रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी कुछ ऐसी हरकत होती है जहाँ पे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको उस इंसान में देखने को मिलेंगे वो है आपके लिए केयरिंग। वो इंसान आपकी परवाह करेंगे, आपकी केयर करेंगे छोटी छोटी चीज़ों में। तो आपको यहाँ पे सबसे पहली बार समझना चाहिए कि जो भी इंसान होता है वो आपकी केयर करता है तो किस रिलेशन से करता है। अगर आपको यहाँ पे ऐसे कुछ देखने को मिलता है तभी आपको दूसरी बातों की ओर सोचना चाहिए। जब कभी आप कहीं पे जा रहे हो तो आप उनको साथ आने के लिए बोलो, जब कभी आप उनको मिलते हो तब आप उनके साथ बातें करते हो तो आपको एनर्जी भरे ही दिखेंगे। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। इतना टाइम होगा, खाने पीने का टाइम होगा, फिर भी वो आपको छोड़ के चले नहीं जाएंगे क्योंकि उनको अच्छा लगता है। ये एक फैक्ट होता है कि कोई इंसान जिसे प्यार करता है उनके साथ उनको रहना पसंद ही होता है। जब वो आपको छोड़ के जाता है तो उनको यही लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी छोटी बड़ी बातों से उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। वैसे तो आप अपने दोस्तों के साथ, दूसरे लोगों के साथ किसी भी तरह से व्यवहार करते हैं, दूसरे लोग भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस इंसान से आप प्यार करते हो ना वो आपको बहुत ही छोटी बात कहेंगे तो भी आपके ऊपर उनकी छोटी बातों का बहुत ही बड़ा बड़ा असर पड़ता है। जैसे कि आपने उनको डांट दिया, आपने उनको भरा बुरा कह दिया, तो अगर थोड़ा सा भी आपने उनको डांटा होगा ना तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी, उनको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। लेकिन आपने उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दी, उनके बारे में थोड़ा सा भी अच्छा बोला ना तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते क्योंकि उस इंसान ने बोला जिसे वो प्यार करते हैं। जैसे कि अगर वो इंसान आपसे प्यार करता है तो उनके आपके साथ बातें करना भी बहुत ही अच्छा लगेगा और उनके पास टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा हो जाए क्योंकि जिनसे आप प्यार करते हो ना उनके साथ बात करने के लिए आपको कभी टॉपिक ढूंढना नहीं पड़ता। तो हमेशा वो आपको SMS पे चैट करेंगे, आपको कॉल करेंगे, बहाने निकाल कर आपसे बातें करने के ऐसे बहाने ढूंढेंगे और बार बार आपके साथ बात करेंगे। इसका रीज़न है क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करने का क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। पांचवी चीज़ होती है जलन होना। प्यार और जलन एक साथ होते हैं, कभी अकेले नहीं होते। अगर कोई इंसान आपको प्यार करता है, अगर आप लड़के हो तो दूसरी लड़कियों से बात करते हो तो वो इंसान ये चीज़ें पसंद नहीं करेगा। हो सकता है कि वो आपको बताए या ना बताए। आप समझ सकते हो कि जब आप दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो या बातें करते हो सिर्फ नॉर्मल, उनको भी पता होता है कि कुछ नहीं है तो भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको जलन होगी। अगर आप एक लड़की हो तो भी आप दूसरे लड़कों के साथ बात कर तो भी उस लड़के को पसंद नहीं आएगा, उनको जलन होगी क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और ऐसी चीज़ें वो नहीं देख पाते। छठी चीज़ कि वो आपके सामने सवर कर ज़्यादा आएंगे। वैसे तो नॉर्मली वो जैसे सवर कर आते हैं इससे कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ स्पेशल होगा क्योंकि वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। वो कितना भी आपको इम्प्रेस क्यों ना कर ले, लेकिन जब वो आपके सामने आते तो अपने आप को इतना अच्छी तरह से सवरते हैं ताकि आपको इम्प्रेस कर सकें, तो ये भी एक साइन हो सकता है। सातवीं बात कि वो आपको आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। सामने वाले इंसान को जब आपसे प्यार होता है तो उसके अंदर एक भूख जागती है आपके बारे में जानने। वो आपके बचपन के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उनको अच्छा लगता है आपके बारे में जानना कि आप बचपन में कैसे थे और आगे जाकर आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो उनके माइंड में आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे क्योंकि उनको आपके बारे में जानना अच्छा लगता है। तो अगर किसी भी इंसान में आपको इनमें से ज़्यादातर चीज़ें देखने को आती है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और आपको प्यार करता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें और वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लव के बारे में, रिलेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट lovetipsinhindi.com को विजिट करिएगा जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू सो मच।
कोई भी परेशानी हो, जैसे कि ब्रेकअप हो जाना, छोटी छोटी बातों पर दो प्यार करने वालों के बीच में झगड़ा हो जाना, खोया हुआ प्यार पाना, दिल टूट जाना, मनचाही शादी का ना होना, रिश्ता होते ही टूट जाना, इंटरकास्ट शादी में कोई रुकावट हो, शादी के लिए माता पिता ना मान रहे हो, पति पत्नी में अनबन होना, सौतन से छुटकारा पाना। यदि ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो क्यों बैठे हैं निराश, जब समाधान है आपके पास। ऐसी समस्या के लिए एक बार स्वामी जी से संपर्क करें। हमारा नंबर है 9549474311। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं, तो स्वामी जी से एक बार संपर्क जरूर करें।